अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामास की तमाम अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। ड्रामा सीरियल घर तितली का पार आखिरकार अपने अख्ताम को पहुंच गया। इस ड्रामा सीरियल की हैप्पी एंडिंग हुई। आज़र शफक के भाई से आकर माफ़ी मांगता है कि उसका भाई आज़र को बताता है कि अंजी ने कैसे उसे धोखा दिया। आज़र उस बात पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है। इधर शफक का बच्चा हो जाता है लेकिन आज़र फिर भी पीछे नहीं हटता। उसे हॉस्पिटल लेकर आता है, पता चलता है कि वो एक बच्ची का बाप बन चुका है। शफक की माँ शफक को बहुत समझाती है कि शफक की माँ उसे कहती है कि मैंने बहुत सोचा लेकिन सब में मुझे कसूर तुम्हारा भी लगा। शफक हैरान हो जाती है और पूछती है वो कैसे माँ, जिस पर उसकी माँ उसे बताती है कि अपने शोहर के सामने किसी दूसरी औरत की तारीफें मत करो, मुझे लगता है कि तुमने अंजी की बहुत तारीफें की होंगी। शफक आज़र को माफ़ कर देती है। दूसरी जाने मंजी ने अपनी माँ को झूठी कहानियाँ सुनाकर हमदर्दी इकट्ठी कर ली और वो इद्दत गुजारने अपनी माँ के घर जाती है। अंजी की माँ उसे कहती है कि तू हमेशा से मतलब परस्त और काले दिल की थी। अंजी की माँ कहती है कि तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। अंजी अपनी माँ की तरफ से मायूस होकर आफ्ताब के दोस्त के घर शाकिर भाई की तरफ चली जाती है। वो अंजी को देखकर हैरान हो जाता है और उनसे कहती है कि पहले आफ्ताब ने मुझे हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और फिर मेरे बच्चे भी छीन लिए। शाकिर अब उसकी किसी चाल में नहीं आता और अंजी के लिए सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं। आखिर में अंजी सड़कों पर फकीरों के हाल में फिरती है और उसके बाद वो अपने भाई के घर नुकरानी बनकर रह जाती है और अपनी पहले वाली ज़िंदगी को याद करके रोती है और कहती है कि मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि मेरा घर तितली के पर की तरह नाजुक होगा। इस ड्रामा सीरियल से हमें यह सबक मिलता है और इसका असल मकसद ये भी था कि अपने शोर के सामने किसी दूसरी औरत की कभी भी तारीफ मत करो। कैसा लगा आप लोगों को इस ड्रामे का एंड, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।